हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो फ्रेंड्स चलिए मैं आज आपको घुमाती हूँ निषादगंज की बहुत ही अच्छी मार्केट बहुत ही सस्ती मार्केट लखनऊ की सबसे सस्ती मार्केट आप बोल सकते हो उसको काफ़ी अच्छे रेट में यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल रेट में जैसे कि डेली यूज़ के शॉर्ट्स और टी शर्ट्स वगैरह बच्चों के या फिर बड़ों के काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाती हैं तो वही हम लोग लेने गए थे अन्या को लेना था तो ये काफ़ी दिनों से बोल रही थी तो मैंने सोचा फिर स्कूल खुल जाएंगे तो फिर ये तो जा नहीं पाएगी तो उसने बोला कि मैं भी चलूँगी आज तो वही इसको ले कर मैं गई थी और मेरी फ्रेंड गई थी तो फिर हम लोगों ने लोवर टी शर्ट यही सब चीज़ें ली और भी जरूरत का सामान आपको सब कुछ मिल जाएगा जैसे कि ब्लाउज देखिए टू टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड वन फिफ्टी इस तरीके से काफ़ी सही रेट में यहाँ पे ब्लाउज मिल जाते हैं तो न, मतलब आपको अगर रैंडम अचानक से किसी साड़ी पे पहनना है ना तो आपके पास आ, जैसे कि गोल्डन ये देखिए ये 150 में था और इस ये कॉटन के कपड़े में था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा अभी आप स्टिच कराओगे तो स्टिचिंग इतनी ज़्यादा पड़ती है ना कि उतने में नहीं आपका बन पाएगा तो आप आराम से ले सकते हो और उसके बाद ये देखिए सीक्वेंस वाले जो कि ऑनलाइन काफ़ी महंगे मिलते हैं ये सारे टू नहीं आगे वाली ये लाइन थ्री की थी बीच वाली टू की थी और आगे वन की थी इस तरीके के से कई रेट में यहाँ पे थे ब्लाउज़ ये मल्टी कलर का रेड वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं एक मैंने लिया भी है वो मैं आपको आगे शॉपिंग ब्लॉग में दिखाऊंगी फिर उसके बाद हम लोग इधर आर्टिफिशियल ज्वेलरी के स्टॉल पे आए जो कि आप बहुत ही अच्छी अच्छी ज्वेलरी आपको मिल जाएगी यहाँ से दुकान से आपको बहुत ही रिजनेबल रेट में मिलेगी दुकान से ये कह लीजिए आपको आ, दो दो तक तो आपको कम मिली जाएगी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है तो ये देखिए यहाँ पे आप सेट वग़ैरह है या फिर जो कमर में क्या पहनते हैं उसको बोलते हैं पेटी टाइप की वो भी मिल जाएगा उसके बाद ये देखिए जगह जगह पे कान के इस तरीके से लगाए हुए थे तो ये नीचे टेन रुपीज़ के ऊपर थर्टी तो काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिल जाते हैं डेली यूज़ में पहनने के लिए तो ये तो खैर लिया नहीं मैंने मैंने वीडियो खाली शूट किया कि अगर कोई जाना चाहे यहाँ पर तो आराम से ले सकता है उसके बाद ये देखिए चूड़ियों के एक स्टॉल पर हम लोग आए और ये ये जितने चूड़े हैं सारे थ्री के इतने प्यारे प्यारे इनके पास चूड़े थे और जो कि आपको शॉप पे 800 900 हज़ार ऐसे मिलेंगे और यहाँ पे 300 400 ऐसे ही सारे चूड़े के सेट थे बैंगल्स कलरफुल आप ले लीजिए क्वालिटी वाइज़ भी अच्छा था मैंने हाथ में लेके देखा तो क्वालिटी वाइज़ भी अच्छे नक की चूड़ियाँ थी मल्टी कलर की चूड़ियाँ आप साड़ी अपनी लेके जाओ सेट बनवा लो तो काफ़ी अच्छे अच्छे रेट में उसके बाद हम लोग दूसरे स्टॉल पे आए तो यहाँ पे इनके पास कॉस्मेटिक का सामान था तो कॉस्मेटिक का सामान मैंने कभी भी नहीं लिया यहाँ से क्योंकि मुझे लगता है कि नकली रहता है तो बस ऐसे ही हम लोगों ने ये आन्या को ऐसे ही फेक नेल्स चाहिए थे और ये लिया और बस दो तीन सामान लिए ऐसे ही काम चलाऊ वाला बस बाकी नहीं लिया उसके बाद यहाँ देखिए इनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे ईयर थे और बहुत ही अच्छे अच्छे सेट भी थे इनके पास और सेट इनके पास बहुत सही रेट में थे जैसे कि अभी ये ग्रीन वाला जो मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाऊंगी ये ग्रीन वाला ये थ्री हंड्रेड का था तो थ्री हंड्रेड के हिसाब से मुझे ये सही लगा बाकी आप लोग बताइएगा शॉप पे तो काफ़ी महंगे मिलते हैं तो इस तरीके से इनके पास भी काफ़ी अच्छे अच्छे कान के थे हंड्रेड टू हंड्रेड इस तरीके से थ्री हंड्रेड काफ़ी सही रेट में मिल रहे थे तो अच्छे लगे कि यहाँ से आप ले सकते हो जो कि शॉप पे आपको काफ़ी महंगे मिलेंगे फिर ये देखिए यहाँ पे शूज़ वगैरह ये अन्य देख रही थी लेकिन मैंने लिया इसलिए नहीं ना क्योंकि इसके पास काफ़ी सूज़ हैं कई एक तो मुझे शूज़ में थोड़ा सा ये था ना कि पता नहीं कैसे निकले टू हंड्रेड के थे तो मुझे लगा कि पता चला ले जाएँ और दो ही चार दिन में टूट जाएँ तो वो नहीं ठीक है तो ये बहुत जिद कर रही थी लेकिन मैंने नहीं दिलाया इसको बाकी कपड़े वगैरह लेने वाला है और शूज़ वगैरह तो नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ के नहीं मजबूत होंगे आप शॉप से लेके आओ तो काफ़ी अच्छे चलते हैं या फिर कभी ख़रीद के देखेंगे कि कैसे रहते हैं फिर उसके बाद इस गली में हम लोग आए तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आपको मिल जाएंगे जो आप लेके स्टिच करा सकते हो सूट ब्रोकेट के कपड़े साड़ी दुपट्टे सारी चीज़ें आपको इस गली में मिलेंगी साड़ियाँ भी मिलती हैं बहुत सही रेट में मिल जाती हैं अगर डेली यूज़ में कोई साड़ी पहनता है तो बहुत सही रेट में मिल जाएंगी यहाँ से मेरी फ्रेंड ने एक कपड़ा खरीदा है ब्रोकेट का आई थिंक वन या टू ऐसे कुछ था ये ग्रीन वाला ही लिया है तो काफ़ी सही रेट में मुझे यहाँ पे लगा और देखिए कोई सा भी आप कलर ले लीजिए ये ग्रीन भी था मरजेंटा तो इसके जाड़े में आप सूट बनवा के सिल्क का मतलब एकदम डिसेंट लुक आता है पैंट बनी बनाई खरीद लीजिए कुर्ता स्टिच करवाइए और बढ़िया सा एक दुपट्टा ले लीजिए सिल्क का या फिर कोई अच्छा सा फैब्रिक का तो आपका काफ़ी एक अच्छा लुक बनारसी सूट आपका तैयार हो जाएगा इनके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे दो सौ तीन सौ रुपये मीटर जो कि आप लहंगा साड़ी ये बोल रहे थे गाउन के लिए भी लोग लेके जाते हैं यहाँ से गाउन के सिलवाने के लिए और बहुत अच्छे अच्छे लेकिन एक भी रुपए इन्होंने कम नहीं किया उसके बाद हम लोग आ गए थे स्टॉल पर तो यहाँ पर देखिए आपको बनारसी साड़ियाँ ये बनारसी साड़ी फोर्टीन की है ये इनका स्टॉल ना भूतनाथ पे भी लगता है मैंने इनके यहाँ से एक साड़ी खरीदी है सिल्क कॉटन सिल्क में इनका स्टॉल भूतनाथ पे भी लगता है लेकिन भूतनाथ पे इस समय पता नहीं क्यों लगाने नहीं दे रहे तो इसने यहाँ पे लगा रखा था क्योंकि मैं इसको पहचान गई नहीं तो मैंने इससे पूछा कि तुम तो भूतनाथ पर भी लगाते हो मैंने तुम्हारे यहाँ से एक साड़ी भी ली है तो बोला हाँ वहाँ पर लगाने नहीं दे रहे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे कलर पर इनके इन कलर में थी इनके पास साड़ियाँ बहुत अच्छी साड़ियाँ थी इनके पास तो अब कैसी निकलेंगी ये तो मुझे नहीं अंदाज़ा है लेकिन अच्छी लग रही थी फिर देखिए सीक्वेंस वाला कपड़ा इसके लोग ब्लाउज़ खूब सिलवाते हैं आपने देखा होगा आ, रील्स पे और वैसे भी तो ये सौ रुपये मीटर या ऐसे कुछ था ये देखिए ग्रीन सीक्वेंस का है तो इसका भी आप लेके ब्लाउज टॉप कुछ भी बनवा सकते हो इस टाइप से इस गली में आपको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे और ये देखिए वॉच की जिद कर रही थी हंड्रेड की है तो मैंने नहीं दिलाया क्योंकि अभी इसके मामा ने इनको वॉच है फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर इनके पास सौ रुपये मीटर कपड़ा था सिल्क में और इनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे कलर थे देखिए ये वाली साड़ी बहुत चल रही है आजकल तो ये बोल रहे थे कि साड़ी बनवाइए गाउन कुछ भी आप बनवाइए स्कर्ट वग़ैरह के लिए भी लोग ले जा रहे हैं मेरे यहाँ से तो ये भी था सौ रुपए मीटर तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे और इनके पास भी कपड़े अच्छे थे फिर देखिए ये इनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े इनके पास तीन सौ साढ़े तीन सौ पाँच सौ छः सौ रुपये मीटर कपड़े मतलब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे तो ये भी बता रहे थे कि गाउन के लिए लोग बहुत ले जाते हैं इनके यहाँ से और आपको डेली यूज़ में कॉटन का सूट ले लीजिए चार चार सौ के कॉटन के सूट थे या फिर आप ऐसे सलवार मतलब सलवार और कुर्ता एक साथ ऐसे कपड़ा मिल रहा था और दुपट्टा भी हाँ पाँच सौ छः सौ ऐसे करके मिल रहा था तो आप लेके स्टिच करा सकते हो तो सूट ऊट तो मुझे लिखा नहीं लेना था अभी मैंने जल्दी जब गाज़ियाबाद गए थे तो मैंने कई सूट बनवाए थे तो बस आने ही मैं लेने गई थी लेकिन मैंने सोचा कि आए हैं तो फिर आप लोगों को पूरी मार्केट घुमा देते फिर चलते चलते भूख लग गई आने को तो फिर हम लोग आ गए यहाँ पर खस्ते खाने हम लोग यहीं से खस्ते खाते हैं तो ये थर्टी रुपीज़ का खस्ता देते हैं और इसमें मटर और खस्ते प्याज मसाला मिर्च चटनी हरी चटनी लाल चटनी सब डाल के बनाते हैं बहुत टेस्टी इनका खस्ता होता है तो फिर यहाँ से हम लोगों ने खस्ते खाए क्योंकि चलते चलते भूख लग गई थी और एक बजे के गए गए पाँच बजे वापस आए थे मतलब पूरी मार्केट मैंने आने से कहा तुम पूरा घूम लो क्योंकि ये बोल रही थी मैंने देखा नहीं है फिर उसके बाद आप फ्लावर ले लीजिए यहाँ पे आ, ये हंड्रेड रुपीज़ के सेवेंटी फ़ाइव के इस तरीके से आप ये जो है ये ढाई सौ या तीन सौ ऐसे कुछ बता रहे थे अच्छे अच्छे से आप घर को डेकोरेट करने के लिए आप फ्लावर भी ले सकते हो और ये देखिए सलवार थी डेढ़ डेढ़ सौ में ये कुर्ती भी डेढ़ सौ में थी और चिकनकारी की तो भरमार थी वहाँ पर बहुत चिकनकारी की कुर्तियाँ आपको ये वाली कुर्ती थी साढ़े की फ्रॉक वाली साढ़े की इस टाइप से कुर्तियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी थी वहाँ पे चिकनकारी की तो ये देखिए मेरी फ़्रेंड देख रही थी ये देखिए ये पूरी कुर्ती कितनी घनी मतलब कढ़ी भी कढ़ाई है इसमें और ये शायद पाँच सौ ऐसे कुछ बताया था बहुत अच्छी अच्छी कुर्तियाँ थी इनके पास आ, इनके पास के आपको इतने स्टॉल वहाँ पे चिकनकारी के मिलेंगे फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल लिए क्योंकि बहुत थक गए थे तो फिर ऑटो से भी थोड़ा सा शूट किया कि देखिए आप बाहर की तरफ ये बाजार हम लोग ने नहीं शूट किया था मैंने सो ये भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे भी बच्चों के कपड़े और मतलब सारी चीज़ें यार साड़ी वाड़ी सब कुछ मिल जाता है तो आप जा सकते हो आराम से वहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हो शॉपिंग आपकी अच्छी खासी शॉपिंग हो जाएगी घर के लिए कुछ जरूरत का सामान या फिर बर्तन वगैरह भी मिल जाते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें तो आप सब चीज़ ले सकते हो वहाँ से तो ऑटो से चलते चलते जितना मैं बना पाई वो मैंने शूट किया तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को दोनों पट्टी पर बाजार लगती ये मैं दिखा रही थी इधर से दिख नहीं रहा